वाहन चोरी, मोबाइल स्नेचिंग गैंग पकड़ा गया। सुबह सुबह बाइक चुराना और रात में पैदल चलने वालों, रिक्शा में बैठे लोगों से मोबाइल छीनना। सरौली पुलिस ने सूरत शहर और ग्रामीण इलाकों में मोबाइल स्नेचिंग, लूट और वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने आरोपियों से कुल 2.41 लाख कीमत के 9 मोबाइल फ़ोन, 5 दोपहिया वाहन और 2 चाकू जब्त कर 8 जी गुत्थी सुलझा ली है। गिरोह सुबह बाइक चोरी करता था और रात में पैदल चलने वालों और रिक्शा चालकों से मोबाइल फ़ोन चुराता था। सूरत शहर में आए दिन मोबाइल स्नेचिंग की घटनाएं सामने आती रहती है। बाइक सवार राहगीर और रिक्शा से गुजरने वाले लोगों के हाथ से मोबाइल फ़ोन छीनकर भाग जाते थे। फिर सूरत में सरौली पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए सरौली पुलिस ने आरोपी शिवरतन उर्फ शिवा, राजकुमार गौरी, प्रवीण उर्फ अर्जुन, संजय पाटिल और एक नाबालिग को कड़ोदरा वेड़चा पाटिया से गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए मोबाइल और वाहन, पुलिस ने आरोपियों के पास से 65,000 कीमत के 9 मोबाइल, 1.74 लाख कीमत के विभिन्न कंपनियों के दो पहिया वाहन और 2,500 रुपये नकद और 2.41 लाख कीमत के 2 चाकू जब्त किए हैं। पुलिस जांच में सरथाना, खटोदरा, कामरेज, कड़ोदरा और सरौली थाने का पता चला। कुल 8 वारदातें सुलझी। पैदल चलने वाले लोग और रिक्शा में बैठी सवारियों को निशाना बनाकर सोसाइटी में खड़े खुले लॉक वाले वाहन चोर करते थे। आरोपी और सुबह सुबह सीधी वायरिंग करके और उन्हें चालू करके जटिल, बाद में वे चोरी के वाहनों से रात के समय सुनसान जगह पर जाते समय राहगीरों और रिक्शा में बैठे यात्रियों को मोबाइल छीन लेते थे। यदि कोई विरोध करता था तो चाकू की नोक पर मोबाइल फ़ोन लूटने का उनका तरीका था। इस मामले भी आगे की जांच सरौली पुलिस ने की है। अर्बन पुलिस कमिश्नर सूरत शहर साहब ने मार्गदर्शन, सेक्टर 1 साहब ने मार्गदर्शन, ACP बी डिविजन की सूचना अने एना आधार सारोलीना PI अमरा एमने सारोली अने सारोली रोड पर सारोली पुलिस स्टेशन में वेड़छा रोड पर है त्यांथी आ आरोपी ने એમને બાતમી હતી કે અહીંયા આરોપીઓ આવે છે અને એના આધારે લોકો ત્યાં વોચ રાખી અને આરોપીને પકડ્યા છે। જે આરોપીઓએ સુરત શહેર અને સુરત ગ્રામ્યમાં કુલ 8 ગુના આચરેલા છે, જેમાં જુદા જુદા 9 જેટલા મોબાઈલ છે અને 6 જેટલી બાઈકો છે। તો એની સાથે મુદ્દામાલ સાથે આરોપીને અટક કર્યા છે અને આરોપીઓની MO એવી હતી કે વહેલી સવારે નીકળે અને જે પાર્કિંગમાં બાઈક પડ્યા હોય, ઘર આગળ બાઈક પડ્યા હોય જેમાં લોક ના હોય એવા બાઇક ચોરી લેવાના, એ બાઇક લઈને પછી રાતના સમયે મોબાઈલ સ્નેચિંગ કરવા નીકળવાનું અને જો મોબાઈલ કોઈ સીધી સ્નેચિંગ થઈ જાય તો મોબાઈલ સ્નેચ કરે અને રિક્ષામાંથી પણ જે પેસેન્જર જતા હોય એમાં પણ ખેંચે એટલા ખેંચી લે અને જે જ્યાં એ સ્નેચ ના કરી શકે ત્યાં એ લોકોએ છરી પણ બતાવીને મોબાઈલ લીધેલા છે। તો એમાંથી 3 આરોપી પકડ્યા છે, બીજી તપાસ ચાલુ છે। આરોપીઓ બીજા કોઈ ગુના આચર્યા છે કે કેમ એની તપાસ અમારી સારોલી PI કરી રહી છે। આરોપીઓ પાસેથી બાઇક, મોબાઈલ અને રેમ્બો છરી 2 નંગ એ પણ મળ્યા છે। આરોપીઓ વિરુદ્ધ 8 ગુના દાખલ થયેલા છે, જેમાં 2 ખટોદરામાં, કડોદરામાં 1, સારોલીમાં 1, સરથાણામાં 2, એવી રીતે જુદા જુદા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુના દાખલ થયા છે।